हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद सिलेबस का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार में था नहीं, जिस कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय से, मीन्स कि आज से, मैं जो है वो डेली एक ना एक वीडियो बना करके अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम भी आप लोग का बहुत ही करीब है। चाहे वो ग्रामर सेक्शन से हो या फिर जो है बुक सेक्शन का हो, मैं सब वीडियो बना करके अपलोड करता रहूंगा। तो आज मैं जो है इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन का वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं ग्रामर का दो चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड किया था। पहला मैं रिमूव टू का, फिर दूसरा जो है सो डिग्री का अपलोड किया था। और रिमूव टू को मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से जो समझाया था आप लोगों को, बहुत सारा कॉमेंट भी आया रिमूव टू पे हो या फिर डिग्री पे हो। लेकिन मैं रिमूव टू को जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि रिमूव टू को मैं चार भागों में रखा हूँ, चार टैप्स में डिवाइड किया हूँ। पहला टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री और टाइप फोर में। तो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का मैं वीडियो बना करके अपलोड कर चुका था और टाइप फोर का मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर टाइप फोर का वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं, टाइप फोर का वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए। तो आज मैं टाइप फोर का वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो है मैं वॉइस का वीडियो हो, नरेशन का वीडियो हो या फिर सेंटेंस, सबका मैं वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाइप फोर। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि टाइप वन और टाइप टू, टाइप थ्री को जो आप लोग सीखे थे तो बहुत आसानी तरीके से सीखे थे, बहुत ही आसानी से सीख गए थे। और मैं टाइप वन में बताया था, थोड़ा शॉर्टकट में जो है पीछे पीछे इसको देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए क्या पढ़े थे। तो टाइप वन में जो मैं पढ़ाया था, तो टाइप वन में सबसे पहले मैं आप लोग को सिंबल बताया था कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस वो टाइप वन में है, कौन टाइप टू में है या फिर कौन टाइप थ्री में। तो टाइप वन का सिंबल जो बहुत आसान था कि जिसमें दो दो टू लगा हुआ रहे, टी डबल ओ टू और टी ओ टू, तो उसको हम लोग टाइप वन में मानते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को टाइप टू जब पढ़ाए थे तो टाइप टू का सिंबल जो था वो बहुत ही सिंपल था कि जिस भी सेंटेंस में अगर एक टू लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग टाइप टू में मानते हैं। और उसके बाद टैप थर्ड का मैं वीडियो बनाया था, तो टैप थर्ड में बताया था कि जिस भी सेंटेंस में टू और फोर लगा हुआ रहेगा तो वो टैप थर्ड में हो जाएगा। और सबका मैं फॉर्मूला लिखाया था कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब चलिए आज हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे वो टैप फोर के वीडियो को जो जानेंगे, टैप फोर के जो है सेंटेंस को समझेंगे इस वीडियो में जो है। तो आज हम लोग जो है ना सर टैप फोर के सेंटेंस को जानेंगे कि टैप फोर के सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री आप पढ़े थे सब वही है, टाइप फोर में भी ज्यादा का अंतर नहीं है। और इसमें जो फॉर्मूला भी जो यूज होगा वो टाइप वन का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए देखते हैं कि टाइप फोर में जो है सब किस तरह का सेंटेंस होगा। और इसको मैं जो टाइप फोर को जो है वो मैं तीन भागों में रखा हूँ, टाइप फोर का ए, बी और सी। मैं इसको अलग अलग इसलिए बांट रहा हूँ रिमूव टू को, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, अब जाइएगा सब किताबें को देखिएगा तो किसी भी किताब में जो है ना रिमूव टू को और टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री या टाइप फोर करके नहीं बांटा है, या उसमें फिर फॉर्मूला नहीं दिया गया हुआ, सिर्फ रूल्स दिखा दिया गया हुआ है और रूल्स लेकर देकर के जो समझा दिया गया। लेकिन मैं टाइप को अलग अलग सब टाइप को इसलिए बांटा हूँ, सब सेंटेंस को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं टाइप फोर के ए को, है ना, कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा टाइप फोर के एक सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें टू भी रहेगा, फोर भी रहेगा और क्या रहेगा, टू भी रहेगा। मतलब कि टू फोर टू, ये तीनों वर्ड जो है सो रहेगा। और जो तीनों वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो टाइप फोर के ए में। अब इसको जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, जो फॉर्मूला आप लोग को हम टाइप वन में पढ़ाए थे, उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग इस सेंटेंस में जो है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। तो फॉर्मूला आप लोग को टाइप वन में पढ़ाए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूला पे टाइप फोर का ए भी बनेगा, बी भी बनेगा और सी भी बनेगा। तो जो ये फॉर्मूला टाइप वन का है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले कह रहा है सेंटेंस, और यहाँ पे आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं, सेंटेंस है द होटल। आगे फॉर्मूला में कह रहा है वर्ब, और वर्ब आप लोग को मालूम है यहाँ पे जो वर्ब वो क्या है, इज है, तो इज बनेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है सो, मतलब ये टू जो है सो में बदल जाता है, तो यहाँ पे दे दिए सो। आगे फॉर्मूला में कह रहा है एडजेक्टिव, और आप लोग को बताए थे कि एडजेक्टिव जो है वो टी डबल ओ टू के बाद जो है सो जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है, कॉस्टली, तो यहाँ पे दे देंगे कॉस्टली। आगे फॉर्मूला में कह रहा है दैट, तो दैट दे देंगे। अब आगे फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट। तो टाइप वन में और टाइप फोर के ए में अंतर बस यही है कि टाइप वन में जो है
जो सब्जेक्ट कह रहा था, तो आप लोग सब्जेक्ट का जो यूज कर रहे थे, जो सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट था, उसी सब्जेक्ट को हम लोग डैट के बाद यूज कर रहे थे, ये टाइप वन में। लेकिन टाइप फोर में ऐसा नहीं है, बस इसी का अंतर है, सब्जेक्ट का ही अंतर है। एक बार फिर से सुनिएगा कि टाइप वन में जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उस समय बताया था कि जो सेकेंड सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम लोग जो यूज करते हैं, मतलब डैट के बाद जो यूज करते हैं, तो जो सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट है, जो पहला वर्ड है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन टाइप फोर के ए में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे वो ऑलरेडी दूसरा सब्जेक्ट दे दिया गया हुआ रहता है, और वो सब्जेक्ट जो दिया हुआ रहता है वो फोर के बाद। अब यहाँ पे फोर के बाद आप देख सकते हैं जो वर्ड है वो यू है, तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो दे दिया गया हुआ है, तो इसलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्ट वहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको दे दिया गया हुआ दूसरा जो सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, मतलब कि फोर के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो यू हो जाएगा डैट के बाद। आगे फॉर्मूला में फिर वही कह रहा है कांट या कूडेंट, तो हम लोग कांट का यूज कर लेंगे, क्योंकि कांट या कूडेंट का हम लोग पढ़े थे, जाने थे कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कांट का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में हो तो कूडेंट का यूज करेंगे, तो इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट में क्योंकि इज है तो हम लोग कांट का यूज कर लिए। आगे फिर कह रहा फॉर्मूला में V1 का यूज करने के लिए, तो यहाँ पे V1 है ST, तो ST हम लोग ले देंगे। आगे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है, द बैग वॉज टू हेवी फॉर हिम टू लिफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर हिम, ये आपको दूसरा ऑब्जेक्ट जो था दूसरा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया वो फॉर हिम। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो फॉर्मूला में सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द बैग। आगे फॉर्मूला में कह रहा है भर यहाँ पे दिया गया हुआ है वॉज, तो वॉज का यूज कर लेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है सो, तो सो का यूज कर लेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यहाँ पे जो है वो हैवी है। आगे फॉर्मूला में कह रहा है दैट, तो दैट का यूज कर लेंगे। और फिर कह रहा है सब्जेक्ट, टाइप वन में हम लोग सेंटेंस के शुरू में आते थे दूसरा सब्जेक्ट का सहारा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग जो सब्जेक्ट का यूज करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया हुआ फोर के बाद, तो यहाँ पे हीम है, तो जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। उसमें फॉर्मूला में फिर कह रहा है कांट या कूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंटेंस जो है ये पास्ट में, मतलब कि पास्ट में जैसे रहेगा तो हम लोग कूडेंट का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कूडेंट। फिर आगे फॉर्मूला में कहता है V1, तो यहाँ पे V1 है लिफ्ट, तो लिफ्ट दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टाइप फोर के ए को समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, जो टाइप वन आप लोग सीखे थे जो पढ़े थे वही है, फॉर्मूला भी वही यूज होगा, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट का सेकेंड सब्जेक्ट का जो अंतर है वही इसमें देखने को मिला, कि जो सेकेंड सब्जेक्ट है हम लोग टाइप वन में फर्स्ट पे जाते थे, और यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी दिया गया हुआ रहता है। तो ये टाइप फोर का ए था। अब हम लोग चलिए टाइप फोर के बी को सीखेंगे, कि टाइप फोर के बी के सेंटेंस को किस तरह से जो है ना हम लोग चेंज करेंगे बदलेंगे। तो चलिए आप सीखते हैं टाइप फोर के बी को, कि टाइप फोर के बी के सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे बनाएंगे और उसके अंदर क्या है। तो देखिए सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, और फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे फिर टाइप फोर ये टाइप एट का जो आप लोग फॉर्मूला बना रहे थे उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, बस कुछ ही अंतर है फॉर्मूला में, जो बाकी सब सेंटेंस सेम है। तो यहाँ पे टाइप फोर में जो क्या रहेगा टाइप फोर के बी में पहचानने के लिए, तो इसमें नॉट लगा हुआ रहेगा। टाइप फोर के ए में आप लोग देखे थे टू भी लगा हुआ है, फोर भी लगा हुआ है, और क्या टू लगा हुआ है, लेकिन टाइप फोर के बी में जो है सिर्फ नॉट लगा हुआ रहेगा। तो अब इसको जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है राम है, तो राम दे देंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है भर, तो भर यहाँ पे इज है, तो इज दे देंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है सो, तो सो दे देंगे। फिर कह रहा है एडजेक्टिव, और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि टू के बाद एडजेक्टिव रहता है, मतलब कि इंटेलिजेंट है यहाँ पे, तो इंटेलिजेंट दे देंगे। फिर आगे फॉर्मूला में कह रहा है दैट, तो दैट दे देंगे। फिर आगे फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट, फिर हम लोग सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ राम, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही। आगे फिर फॉर्मूला में कह रहा है कैन या कुड, कैन या कुड, सब अभी तक जितना भी आप लोग सेंटेंस बनाए हैं तो वहां पे कांट का यूज कर रहे थे या कुडंट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैन या कुड का यूज करना है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में पहले से जो है सो नॉट दिया गया हुआ, मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव में वह इतना तेज है कि वह समझ सकता है, तो पॉजिटिव में दिया गया हुआ, इसलिए यहाँ पर से कांट जो था उसको हटा दिए, मतलब कि सिर्फ कैन लिखे नॉट को हटा दिए, और कुडंट जो था जो उसको हटा करके हम लोग सिर्फ कुड लिख दिए। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कैन यूज करेंगे, और पास्ट में रहेगा तो कुड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कैन लिख लेंगे, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में। और आगे फिर कह रहा है V1, तो V1 अंडरस्टैंड है, तो अंडरस्टैंड दे देंगे, और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। तो ज्यादा अंतर जो है ना टाइप फोर के बी में नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बात याद रखना कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ रहेगा तो टाइप फोर के बी में बनाएंगे, और जो बनाने का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, सबसे रहेगा सिर्फ
कांट का जहां पे कैन आ जाएगा और कुडन की जगह पे कुड आ जाएगा। तो ये टैप फोर का बी था। उसके बाद चलिए टैप फोर का सी जो लास्ट है उसको हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। चलिए अब हम लोग जो समझेंगे वो टैप फोर के बी टैप फोर के सी को। अब जो समझना है वो सी को और लास्ट है ये रिमूव टू का जो है टैप फोर के सी को समझेंगे। तो देखिएगा कि जो टाइप वन का ए था जो टाइप वन था वो सेम यही है टैप फोर का सी जो है सेम है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा अंतर है बनाने के वक्त में, पहचान वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन जब बनाएंगे तो थोड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, है कि नहीं। सूरज इतना गर्म है कि उस पर जाया नहीं जा सकता, कोई जा नहीं सकता, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तब ऐसे सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, आप लोग को जब हम टैप वन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जिस भी सेंटेंस में टी डब्ल्यू टू और टी ओ टू लगा हुआ रहेगा तो टैप वन में होगा। और अभी हम टैप सी में भी यही पहचान बता रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। अब उसको देखिए किस तरह से बनाएंगे, फॉर्मूला भी वही यूज करना है। फॉर्मूला में सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा दसन। आगे फॉर्मूला में कह रहा है भर, भर हो जाएगा इज। आगे फॉर्मूला में कह रहा है सो, तो सो दे देंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यहाँ पे हॉट है तो हॉट दे देंगे। आगे कह रहा है दैट, तो दैट दे देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे जो अंतर है ना वो सब्जेक्ट का। जब टाइप वन सीख रहे थे तो टाइप वन में जो है आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे इसका यूज कर रहे थे, है कि नहीं। ये जो पहला सब्जेक्ट है उसी को हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में लिखते थे। अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सेंस बदल जाएगा। अभी देखिए ये कह रहा है द सन इज टू हॉट टू गो आउट, सूरज इतना गर्म है कि हम लोग नहीं जा सकते, इस पे कोई नहीं जा सकता। और अगर हम लोग पहले सब्जेक्ट का ये यूज करते यहाँ पे इट कांट गो आउट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सूरज इतना गर्म है कि सूरज नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट का जो है सो ख्याल रखिएगा कि इस तरह का जो सेंटेंस आता हो तो वहां पे हम लोग जो है ना सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल करेंगे वो वी का या वन का या फिर नो वन का, है कि नहीं। वन का, वी का या फिर नो वन का। तो चलिए देखते हैं बनाएंगे कि सूरज इतना गर्म है कि हम लोग नहीं जा सकते या कोई नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट के रूप में जो यूज करेंगे इस तीन वर्ड का, है ना, वी का, वन का या नो वन का। तो यहाँ पे आ जाएगा वी, आगे ये वी लिख लेंगे या वन लिख लेंगे या नो वन। बस सिर्फ ये याद रखना कि अगर नो वन लिखेंगे तो यहाँ से नॉट हट जाएगा क्योंकि पहले से नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट यहाँ से हट जाएगा। अगर वी वन लिखेंगे तो फिर नॉट रहेगा ही। तो वी और आगे क्या हो जाएगा, कांट गो आउट। बस यही था, है कि नहीं। सिर्फ सब्जेक्ट का अंतर था, द सन इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, रिमूव टू में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर टैप वन, टैप टू, टैप थ्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी देख लीजिए ताकि इसको समझने में आसानी हो। चलिए एक और एग्जांपल जो है इसमें देखते ही इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल को। एग्जांपल है द हाउस इज टू स्मॉल टू लिव इन, घर इतना छोटा है कि हम लोग नहीं रह सकते या कोई नहीं रह सकता। तो मतलब इसको जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द हाउस is so small that one can't live in। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग डिग्री और रिमूव टू अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं जो है सो वॉइस का, सेंटेंस का, नरेशन का, मोडल्स का या फिर टेंस का वीडियो जो बना करके अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय।